विकासखंड स्वारघाट के तहत पड़ने वाले गांव गरा के ग्रामीण मक्खियों के प्रकोप से परेशान हैं। मक्खियों की यह समस्या कोई आज की नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से ग्रामीण इस समस्या से जूझ रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार मक्खियों की वजह सातलगता पोल्ट्री फार्म है, जिसकी गंदगी में पल रही ये मक्खियां उड़कर लोगों के घरों में फैलती जा रही है। पिछले कल भी गरा गांव की शादी में विवाह के लिए तैयार की गई धाम मक्खियों की वजह से धरी की धरी रह गई। ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन सहित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कई बार मक्खियों को लेकर शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कल मेरी शादी थी, तो हमारे शादी में जो भी हमने खाना बनाया वो सारा वेस्टेज हो गया, वो किसी ने नहीं खाया, उसमें मक्खियां पड़ गई। और हमारे मक्खी कारण ये कि मुर्गा फैक्ट्री यहाँ पे, वो हमारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने उनको बोला भी, उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया इस बारे में, और हमारा खाना सारा बर्बाद हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। तो मेरी यही बेनती है प्रशासन से भी और पोल्ट्री फार्म वालों से भी कि आके थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं गांव गरा से, हमारे यहाँ जो मक्खी का ये कारण है, हमारे कल यहाँ शादी थी घर में, तो क्या है कि यहाँ पर जितनी हमने सब्जी वगैरह जो भी बनाया यहाँ पे, वो सारा हमारे को वेस्ट करना पड़ा। हमने दोबारा उसको फिर वो किया, दोबारा सारा सब्जी दोबारा उसको बनाया, क्योंकि प्रशासन को हमने काफ़ी बार ये बोल दिया है कि हमारे मक्खी है वो करें, पंचायत की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। तो जो ये फार्म है मल्होत्रा का, इसमें भी हम काफ़ी बार जा चुके हैं, अभी भी गए थे, उसको बोला कि यहाँ मक्खी है, और उसका कहना ये है कि खुद की स्प्रे करें, प्रशासन की ओर से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हमारे को ये मजबूर है कि इतनी मक्खी है, हमने कुछ फ़ोटो लिए हैं, सब कुछ इधर है हमारे पास, लेकिन इससे हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। चलो, हमने जो है प्रशासन को कई बार हमने कॉल भी की, 1100 नंबर पे कॉल की हमने, काफ़ी साल से कॉल कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है था। ना कोई उनका कोई जवाब है, ना कोई उनकी कार्रवाई है। मक्खी का दिन पर दिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ना है, उनका कोई ऐसा नहीं कि कोई रोकथाम, कोई स्प्रे करे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ता भी मक्खी बहुत अंदर जाती है, खाना नहीं खाते बनता होता, फिर मक्खी खाना है, कोई मेहमान आता वो भी खाना नहीं खाता। साढ़े मैसा को भी सारी मक्खी मैसा भी साड़ी वैसे दवाई स्प्रे कर करते मैं सारी चमड़ी भी सारी उतार दी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए श्री नैना देवी जी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावना है व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।